कैसे हैं आप दोनों? ठीक है। आप दोनों को मैं देख रहा था, तस्वीर वायरल हो रही थी हरिद्वार में, क्या कर रहे थे जरा बताएं उसके बारे में। एक्चुअली हम लोग ऋषिकेश गए थे देहरादून, और वहाँ पे एक्चुअली हम लोग एक टीम वर्क कर रहे हैं, कुछ 8-10 लोगों का टीम है, और हम लोग एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। उसी का लोकेशन हंट करने और सारी तैयारी करने हम लोग पहुँच गए थे देहरादून। क्या कुछ नाम फिल्म का और कुछ जानकारी देना चाहेंगे? फिल्म का नाम है गंगा किनारे परदेसी, क्योंकि ऋषिकेश एक ऐसा जगह है जहाँ पे गंगा जी है। तो जब मुझे पहली बार ये आया कि गंगा पे पिक्चर बनाना है, तो बहुत लोगों ने बोला कि यार ये गंगा किनारे परदेसी थोड़ा पुराना टाइटल हो रहा है, ये हो रहा है वो रहा है। लेकिन मुझे लगा कि अगर ऋषिकेश में जब मैं पहुंची, मुझे लगा कि गंगा पे फिल्म बनाना बहुत जरूरी है। वो इंसिडेंटली मुझे पता चला कि एक समय था जब गंगा नाम पे पिक्चरें बड़ी हिट हुआ करती थी भोजपुरी में, तो उस इंस्पिरेशन से मैंने ये टाइटल को एक्सेप्ट किया और हम लोग काम करना शुरू कर चुके। सतन जी आप क्या कहेंगे? नमस्कार, जितने भी चैनल को देख रहे हैं सत्येंद्र सिंह का नमस्कार। और आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हम लोग एक फिल्म के प्रीमियर में आए। कुणाल की फिल्म बहुत अच्छी होती है, उसको मैं दिल से आशीर्वाद प्यार दुलार देता हूँ। छोटा भाई है, बहुत अच्छा एक्टर है। और बाकी हमारी जो फिल्म है, हम लोग ये अलीशा अली खान जी के साथ में पिक्चर कर रहा हूँ गंगा किनारे परदेसी। बहुत ही अच्छी फिल्म है, प्रभारी की भी फिल्म है। बहुत हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आगे आप सबका आशीर्वाद प्यार दुलार चाहिए कि हम लोग अच्छी फिल्म बनाए। और अच्छा डायरेक्टर प्रोड्यूसर स्टार कास्ट कौन कौन है? डायरेक्टर हमारे है बहुत ही अच्छा प्यारा एन आर खिमरे, और प्रोड्यूसर है ए बी बंसल जी, और आशीर्वाद है इस फिल्म के लिए हमारे जो सब लोग जानते हैं, हमारे गुरुदेव हैं, जिनका नाम बहुत बड़ा नाम आता है, उनका नाम है महामंडलेश्वर 1008 श्री अनंत विभूषित अनंत विभूषित अरुणगिरी महाराज, इन्वायरमेंट बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उनका आशीर्वाद प्राप्त है, उन्होंने ये टाइटल दिया है और उन्होंने पिक्चर बनाया। आप दोनों के साथ और कौन से कलाकार होंगे? तनुश्री जी हैं, अलीशा अली खान जी हैं, और बाकी और चयन किए जा रहे हैं। कब से शूटिंग होगा? म्यूजिक कौन दे रहा है? म्यूजिक राजेश गुप्ता जी दे रहे हैं, और शूटिंग हम February 1st से करने जा रहे हैं। कितने दिन तक शूटिंग चलेगी? वही 20-25 दिन हम लोग पिक्चर कम्प्लीट करेंगे। और हरिद्वार में करना है और कहीं करना है? नहीं, पूरे उत्तराखंड में करना है। हरिद्वार, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, ये सारे लोकेशंस है। और बहुत प्यारा नज़ारा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो पहाड़ी एनवायरनमेंट, पहाड़ी जगह इतना अच्छा लगा। ऐसा लगेगा कि जब शूटिंग करेंगे तो थकेंगे नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है।